एंड यू आर वॉचिंग वीरभद्र वेपन क्लास एंड आउटडोर्स. तो ए लॉट ऑफ फ्रेंड वर आस्किंग अबाउट 50 यार्ड्स का इसका क्या ग्रुपिंग है, एक्यूरेसी क्या है. फैक्ट इज दैट 99% पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर 50 यार्ड्स, बट स्टिल व्हेन माय सब्सक्राइबर द पीपल हु वॉच माय वीडियो व्हेन दे आस्क समथिंग, तो मुझे लगता है कि आई हैव टू फुलफिल देयर यू नो रिक्वेस्ट विच इज पॉसिबल. सो इट इज कंटिन्यूअसली रेनिंग सिंस लास्ट फ्यू वीक्स. तो अभी हम लोग जेना और इसका जो कॉम्बिनेशन बेस्ट है मेरे को लगता है 10.34 ग्रेन जेएसबी के साथ एंड विल बी शूटिंग अप टू 48-49 यार्ड्स. आई एम सेंडिंग कैमरा डाउन रेंज सो दैट यू कैन सी द पेपर एंड देन आई विल स्टार्ट शूटिंग. जाइए वहाँ लेके जाइए, पॉज मत करिएगा, लेते कंटिन्यू जाइए. नीचे हाँ चार shot 5 shot groups open sight.
I don't know what is the orientation like this, na? So as you can guys see, this is approx 46 yard grouping made by Jena. ओपन साइड एक्चुअली मेरे को खुद नहीं दिख रहा था कि मेरे शॉर्ट्स कहाँ जा रहे हैं. तो एक शॉर्ट को अगर लेते हैं, ये देखिए 42.6 mm. और अगर ये एक फ्लायर है, अगर इसको छोड़ देते हैं हम और बाकी को लेते हैं तो साइज हो जाता है 30.3 mm. सो या, और अभी मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये जो है, ये टीन का जो बॉक्स है ये कवर कर रहा है और इधर कुछ जगह और भी लूज बचता है. सो ओपन साइट है और बहुत पावरफुल स्प्रिंगर है और डिस्टेंस भी 46 यार्ड है. लाइए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्टेंस क्या था अपना. Come on, यार. तुम जूम करने के लिए तो नहीं बोले थे हम कि जूम कर देना. Now it's better. अरे यार, again it's. What's happening? The phone is in auto mode. तो फाइनली कहाँ गया रे. forty five point three yards फाइनली. सॉरी फॉर यू नो वीडियो का जो ट्रेम्बलिंग है उसको लेके, बट दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज 45-46 क्या हुआ. जूम इन जूम वो मेरा कैमरा भी अभी ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट हो रहा है. सो फॉरगेट द टेक्निकल ग्लिच, बट दिस इज व्हाट इट दिस इज. I shot a 46 yard group. The group is I have shown you in the MM what is the group size, and in a better day when there is less humidity and there's less sweating, I expect it to reduce a little bit. But anyways, if I am able to hit this size target from close to 50 yards, so I will be very happy. So I am very happy. Still I am very happy with the Jena, and this is what it is. और अगर स्कोप लगाते हैं हम लोग तो डेफिनेटली हमारा ग्रुपिंग अभी और रिड्यूस होगा, बहुत रिड्यूस होगा. बट स्कोप मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू यू नो शार्पन माई स्किल विथ ओपन साइट ओनली, बिकॉज ओपन साइट थोड़ा सा टफ होता है. दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स है. But this is what it is. Or people talk about STB Jena rifling and all. So, आपको मैं एक टिप्स देता हूँ. You can go to Google and type what is the purpose of rifling. Rifling का एक ही purpose होता है, that is to stabilize the दो spin देना pellet को, और spin से ultimately क्या होता है, pellet stabilize होता है.
तो 50 यार्ड्स पे अगर एक डेढ़ इंच पौने दो इंच का ग्रुप अगर कोई बना रहा है तो वो बिना एक्यूरेसी का पॉसिबल नहीं है ओपन साइड से। और एक्यूरेसी है इसका मतलब है कि राइफलिंग इज इंगेजिंग, और जब इंगेज कर रहा है तो स्पिन हो रहा है एंड द स्पिन इज कॉजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द पैलेट, दैट्स व्हाई इट्स एक्यूरेट। अब इस पे कोई मार्किंग, अब बाई जस्ट लुकिंग इन टू द ग्रुप्स यू कैंट डिसाइड वेदर इट्स इंगेजिंग द राइफलिंग और नॉट। ये अपना अलग अलग परसेप्शन है, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो पॉइंट आउट दोज थिंग्स, बट हियर इट इज द पर्पज ऑफ राइफलिंग इज टू स्टेबलाइज द पैलेट इन द पाथ ऑफ यू नो जो ट्रैवल करता है इन द पाथ ऑफ ट्रैवलिंग। इफ इट इज एक्यूरेट देयर इट मीन्स द राइफलिंग इज वर्किंग एंड द डिबेट शुड एंड राइट देयर because the gun is accurate and it is only possible when the rifling is spinning enough the pellet so that it is stabilizing in the air. So tab tak ke liye abhi tak ke liye itna hi, ummeed karte hain aap log acche se rahenge, apne aap ko covid se bachaye, social distancing ka palan kare, aur hamare yahan social distancing ka koi issue nahi hai because I am blessed with a huge